तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली सेंटर ऑफ मास में एक टाइप का प्रॉब्लम बनता है, जैसे कोई मास है, ठीक है, स्क्वायर है, डिस्क है, उससे कुछ पोर्शन काट के निकाल दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो वो मैं क्लियर करूंगा। और भी दो चार टाइप के ऐसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि, हाँ, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसे आपको थोड़ा समझा भी दूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक रॉड है, तो ये अगर रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, मिड पॉइंट पे कब आता है, जब मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, एज मास पर यूनिट लेंथ कॉन्स्टेंट हो, तब सेंटर ऑफ मास पे आया। अभी मैं इसका मास वेरिएबल कर देता हूँ, मास, अगर मैं इस रॉड को यहाँ रखता हूँ, यहाँ ओरिजिन है 0.0.0, तो इसका जो मास है दैट इज एम नॉट एल ओ मल्टीप्लाइड बाई एक्स रॉड है, नेगलेक्ट द थिकनेस, ये रॉड है। तो इसका जो मास है, अब मैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर इसका मास क्या है, जीरो। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा इसका मास क्या है, इंक्रीज होता चला जाएगा। एम नॉट क्या है, कॉन्स्टेंट है, एल क्या है, इस रॉड का लेंथ, क्लियर है। अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मिड पॉइंट में नहीं आएगा यार, क्योंकि मैं आगे जा रहा हूं तो मास इस बढ़ रहा है, तो इस मिड पॉइंट से आगे इधर कहीं आएगा, समझ रहे हैं, कि इधर ज्यादा मास आएगा, इधर लेंथ, इधर एक्स ज्यादा है तो इधर मास ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा यहां पर मास आएगा। तो ऑब्वियसली अब इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे करोगे, तो हम कैसे करेंगे, बेसिक से ही करेंगे। बेसिक क्या था, ठीक है, जब कंटिन्यूअस सेंटर ऑफ मास दो पार्ट में पढ़े थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या था, सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला था, इंटीग्रल एक्स डी एम, जब मासेज एक्स एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट है, और इंटीग्रल डी एम, एक्स क्या है, वो छोटे से इलेमेंट का जो डी एम है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है। अब देखो जो रॉड है वो मासेज एक्स एक्सिस में, जो भी मास है वो एक्स एक्सिस में है, तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास है उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो है। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि एक्स में बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और दिक्कत होते हैं। पूरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखना, सारा बहुत बेहतर तरीके से समझाया। सबसे पहले हम डीएम कैलकुलेट करते हैं। डीएम क्या है, पूरा मास, ठीक है, पूरा मास इंटीग्रल, भाई छोटा सा मास लो इंटीग्रल। अब चलो छोटा सा मास लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर मैंने एक स्मॉल मास लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक वेरिएबल एक्स लिया और एक छोटा सा थिकनेस डी एक्स कट किया, डी एक्स। तो इसमें कितना मास आया होगा, इसमें मास आया होगा डी एम। मासेज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो भी मास है वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो मास जो है, तो डी एम आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई ये छोटा लेंथ डी एक्स। अब जो मास है वो बेसिकली जो है वो मास क्या है, लेंथ का फंक्शन है, तो एम नॉट एल स्क्वायर एक्स डी एक्स, दैट इज द डी एम। अब मुझे टोटल मास चाहिए तो मैं लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दूँ, कहाँ से कहाँ लिमिट जाएगा एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो था यार, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो था तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एल तक जाएगा, तब मुझे रॉड का पूरा मास मिल जाएगा, क्लियर है। तो चलो लिमिट लगा के अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एल और जीरो टू टोटल मास कैपिटल एम। तो टोटल मास कैपिटल एम कैलकुलेट कर लो इसको, तो टोटल मास कैपिटल एम कितना आ जाएगा इस रॉड में, एम नॉट एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ गया, एम नॉट एल स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिमिट रखोगे तो एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि एम नॉट बाई टू दैट इज द टोटल मास इन द रॉड एंड इट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल डी एम। तो हमें डी एम पता चल गया, दिस इज द टोटल मास इन द रॉड, ये डी एम पता चल गया। अब ये एक्स डी एम निकालना है, एक्स डी एम कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम, तो एक्स डी एम तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू यहाँ से और डी एम इधर लाके लाए थे मास पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ये अब ये जो है, अब एक्स अपन एल और साथ साथ एम, मास ये वाला है ना, मास एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो एम की एम की वैल्यू रखूंगा तो ये बनेगा एम नॉट एल और दैट इज द डी एक्स इंटीग्रल, ये दैट इज द एक्स डी एम। चाहता तो इसको यहीं पे रख सकता, इसमें भी रख सकता था डायरेक्ट। फाइनली जब ये हम सॉल्व करेंगे इसको तो एम नॉट बाहर आ गया
और एल स्क्वायर बाहर आ गया और इंटीग्रल के अंदर बचा हाँ ये एम नॉट एक्स, एक और एक्स आएगा ना भाई, एक और एक्स आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है एक्स स्क्वायर डी एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी बोलो, लिमिट जाएगी बेसिकली अपनी जो लिमिट जाएगी वो एक्स इक्वल टू 0 to L। तो फाइनली जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एम नॉट एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है एक्स की पावर क्यू और लिमिट रखूंगा तो एल की पावर क्यू और डिवाइडेड बाई 3। तो एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को खत्म कर दी, एक एल बच गया तो कुल मिला के एम नॉट एल अपॉन थ्री ये इसका इंटीग्रल एक्स डीएम का इंटीग्रल है। अब ये वाली वैल्यू लाके, ये दोनों वैल्यू लाके यहाँ रख दो, टोटल मास कितना आया था एम नॉट बाई टू और एक्स डीएम का इंटीग्रेशन एम नॉट ये। तो फाइनली जब सेंटर ऑफ मास आएगा वो एम नॉट एल अपॉन थ्री एम नॉट बाई टू, तो टू ऊपर चल गया एम नॉट, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो टू बाई थ्री एल पर आएगा, यहां से टू बाई थ्री। मतलब रॉड को अगर तीन पार्ट में डिवाइड करते हो, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा आधे से उधर आएगा, ठीक है एक्स टू एल बाई थ्री पर आएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल मास प्रॉब्लम, जब मासेस वेरी करेंगे, जब मास वेरिएबल होगा फंक्शन होगा तो उस टाइप से ऐसे करोगे, बेसिक से करोगे, फार्मूला नहीं लगाओगे, फार्मूला तब बना था जब मास कॉन्स्टेंट था।